सक्सेसफुल एंड अ सेफ्टी राइड। एक काम कर लिया राइडर का। सभी भाइयों को राम राम और एक बार फिर से स्वागत है एक नए व्लॉग में। रेडर्स क्रू की टी शर्ट पहन रखी भाई, लेकिन जा रहा हूँ मैं राजस्थान ओएसडी जावा क्लब के एक मीटअप में। हमारा एक साथी राइडर जो है वो स्पीति कर आया है, तो उनसे मिलने जा रहे हैं, उनके व्यूज़ लेने। स्पीति मैंने भी दो बार किया है, सितंबर में गाड़ी से किया, मैंने सितंबर में किया है और फेब में किया है, एक विंटर स्पीति और एक समर स्पीति। तो भाई गोप्रो तो चिराग भाई की गाड़ी में रह गया, नैनीताल गए थे जब, तो रास्ते को तो कवर कर नहीं पाऊंगा मैं, लेकिन अब घर से निकल रहा हूँ और वहाँ पहुँच के उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछेंगे कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और क्या अच्छा रहा क्या बुरा रहा, सब उनसे जानेंगे। अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ डाबड़ी कैफ़े, ये जवाहर सर्कल पे है, तो वहाँ पहुँच के मिलते हैं आपसे। तो भाई मैं पहुँच गया हूँ जवाहर सर्कल। आज मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैं आदर्श नगर जयपुर से निकला और लू चल रही थी रात को 8 बजे, मतलब 8:05-7 पहले मैं निकला, लू चल रही थी ज़बरदस्त लू। और जैसे ही मैं JLN मार्ग पे कुलिश वन के पास से निकला, जहाँ पूरे पेड़ हैं ग्रीनरी है, वहाँ पर आया तो सड़क पे ठंडक थी, वो मैंने खुद महसूस किया क्योंकि बाइक पे निकला था। उसके बाद जैसे ही वो कुलिश वन ख़त्म हुआ, वापस से लू, गर्म हवा, मतलब ज़बरदस्त टेम्परेचर है भाई। और जहाँ तक वो सब बिल्डिंग्स और वो जितना वो चलता रहा, और जैसी मैं जवाहर सर्कल पहुँचा, वापस जब पेड़ और ग्रीनरी आई, तो भाई वापस से आके ठंडी हवाएं आ गई। पेड़ लगाओ भाई, ज़रूरत पेड़ की है, ज़रूरत एसी की नहीं है। अगर आप पेड़ लगाओगे तो भाई आने वाली जो हमारी पुश्तें हैं, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, उनके लिए एक ठीक एनवायरनमेंट हम छोड़ के जाएंगे। वरना तो भाई गर्मी का जो हाल होने वाला है ना, उसका कोई अंदाज़ा नहीं है क्या होगा। खैर मैं जवाहर सर्कल पे सिर्फ इसीलिए रुका था कि ये जो ग्रीनरी है ये आपको दिखा सकूं, और इस ग्रीनरी में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो कम से कम 4 से 5 डिग्री का टेम्परेचर का डिफरेंस है इसी रोड के ऊपर, इसी शहर के अंदर, सिर्फ ग्रीनरी की वजह से। मैं पहुँचने वाला हूँ 2-3 मिनट में अपनी डेस्टिनेशन पर, पहुँच के फिर आपको ज्वाइन करता हूँ। तो भाई लोगों पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पर, पहुँचे हुए तो बहुत देर हो गई है, लेकिन भाई साहब जो गए थे ना उनके थोड़े से रिव्यूज़ लेते हैं। स्पीति मैं भी गया था लेकिन भाई गाड़ी से गया था, बाइक से जाने वालों के थोड़े से रिव्यूज़ लेते हैं कि उनका जावा के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा, जावा लेके जाने में। भाई आपने क्या प्रॉब्लम फेस करी या क्या मज़ा आया वो थोड़ा सा बता दो यार। मज़ा तो खूब आया। अच्छा प्रॉब्लम कुछ है जावा में? प्रॉब्लम एक ही है कि इसका एक तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है और दूसरा पिछवाड़ा बहुत संभाल के चलना पड़ेगा। मतलब आपकी हिम्मत थी यार आप जावा लेके, मतलब स्पीति टूर कराए ना प्राग लेके, मतलब वो तो अल्टीमेट आपने जो किया वो तो मेरे जैसे आदमी के लिए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है भाई। कंफर्ट लेवल चाहिए अपने को, तो साला 100 किलोमीटर से ही वापस आ जाता मैं तो अगर जावा लेके जाता तो। बाकी कैसा मौसम, क्या था, क्या कैसा रहा मौसम? बर्फ अभी कम है। अच्छा बर्फ आपको खाली एकदम पीक पॉइंट में मिलेगी, वो भी एक जगह है 20 फुट, बाकी सब जगह पिघल गई है, बर्फ पिघल है। हाँ खैर वो तो गर्मी इतनी हो गई है, आज हम पिघल रहे जयपुर में, वहाँ तो बर्फ ही पिघल रही है। अगर चलो बाकी लोगों का भाई मनीष जी अपने कब आएंगे देखते हैं, टाइम तो उन्होंने 8:15 का दे दिया था सबको, बट उनका जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है वो 1 घंटा लेट आने का तो है, 1 घंटा लेट वाला तो है बिल्कुल है, तो देखते हैं भाई, वेट कर रहे हैं उनका। अब लोग टाइम पे आके बैठे हुए हैं, उनका भी पता नहीं है, उनका पता नहीं है। थोड़ी बहुत पास से आगे जाके एक काम कर लिया राइडर का। खुद ही खाना है बैठो। तो भाई केक काट के और भाई से मिलके, सब लोगों से मिलके पहुंच गया हूँ घर वापस। और रात को 10-10:30 भी भाई लू चल रही है, जबरदस्त लू। क्या होगा इस ग्लोबल वार्मिंग का पता नहीं भाई। चलो मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में।